तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए अपडेट में। तो आज हमारी परिस्थिति देखिए पुनः रमदयालगंज वाले पुल पर हो चुकी है और रमदयालगंज के पास देखिए नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और इधर जो आप देख रहे होंगे पुराना पुल है और काफ़ी वर्षों पुराना पुल है जो कि काफ़ी जर्जर की स्थिति में हो गई है। जिस आप जो देख पा रहे होंगे पाइप तो काफ़ी जर्जर की स्थिति में हो गई है। तो एक और पुल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो अभी हम नीचे चल के देखेंगे कहाँ तक काम पहुँचा है और क्या क्या वर्क हो रहा है। फिलहाल पहले वाले पिलर के पास अभी हम खड़े हैं, पहले वाले पिलर के पास। तो ये टोटल साथियों 5 पिलर पे यह पुल बनकर तैयार होने वाला है। फिलहाल एक इधर दिख रहा होगा आपको और 3 नदी के बीच में रहेंगे और एक उधर। तो टोटल 5 पिलर पे यह पुल बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए हम आगे से आपको नीचे चल कर थोड़ा व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारी इस अपडेट में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। उस प्रकार देखिए जाने का ये रास्ता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं उधर काफ़ी जाम लग रहे हैं पुराने पुल के माध्यम की वजह से और वहाँ पे देखो किस प्रकार सेटरिंग हो रहा है, वहाँ पे छड़ के माध्यम से सेटरिंग किया जा रहा है। फिलहाल हम भी नीचे चल रहे हैं, नीचे से भी हम आप सभी को दिखाते हैं। तो बताना चाहेंगे साथियों कि इस पार तो काम चल रहा है लेकिन उस पार काम कोई नहीं चल रहा है। जो आप देख पा रहे होंगे जूम करके हम आपको दिखा दें तो उस पार का पिलर देखो किस प्रकार का थोड़ा सा तैयार हुआ है और इधर थोड़ा बहुत तैयार हुआ है और एक इधर तैयार हुआ है। जो बीच का 2 पिलर है उस पर अभी कोई वर्क नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है साथियों और इसी जर्जलपुर की वजह से काफ़ी जाम लग रहा है। बताना चाहें देखिए कुछ कुछ जगह देखिए छड़े एकदम गायब हो गई हैं, कुछ कुछ जगह देखिए जो पाइप हैं पाइप एकदम मुड़ गया है, पूरा जर्जर हो गया है और आए दिन यहाँ पर हादसा भी होता है। तो काफ़ी वर्षों पुराना यह पुल है और यहाँ पे देखिए सेटरिंग हो रहा है पुलिया के लिए, जो पुल है उसके ऊपर जो बिछाया जाएगा जो पूरा सेटरिंग किया जा रहा है। तो छोटा सा भी हम आप सभी को रमदयालगंज से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे रमदयालगंज का मार्केट है तो नेशनल हाईवे 135 के रास्ते पर रमदयालगंज का एक पुल पड़ता है जो कि सई नदी यहाँ पर बहती है। सई नदी का जलधारा है जो आप दिख रहा होगा। तो कुछ विशेष अपडेट आज हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बगल में प्राचीन मंदिर है शिव जी का। तो एक छोटा सा हम आप सभी को जौनपुर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा नहीं विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे जो जौनपुर के जो डेवलप कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, तो उसको अपडेट को आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। और कुछ कर्मचारी लोग यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सारे लोग सेटरिंग कार्य में ही लगे हुए हैं, उधर सेटरिंग हो रहा है और तंबू भी प्लास्टिक का लगाया गया है। यहाँ देखिए जनरेटर चल रहा है तो वहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है, सेटरिंग करके वेल्डिंग करके पूरा उसको मजबूती के साथ किया जा रहा है और क्रेन के माध्यम से वो पूरा उठ के तो यहाँ पर आएगा। तो देखिए पुराना वाला पुल, जो कि काफी जर्जर की स्थिति में है। तो बगल में तो पुल बन ही रहा है जिसका अपडेट आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए एक छोटा सा अपडेट आप सभी को जौनपुर के रमदयालगंज स्थित नए पुल के निर्माण कार्य का अपडेट दिखाने का प्रयास किए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।